व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक्सपीरियंस शेयर किया हमें बिज़नेस का जो है वो क्या, जब हम मुल्तान से इस्लामाबाद गए थे तो हमने ये बिज़नेस क्लास ही करवानी थी, लेकिन हमने अचानक ही प्लान किया था तो हमें ये नई इसकी सीट नहीं मिली थी। और फिर जब हम रिटर्न हो रहे थे तो हमने 1 बजे की सीट करवाई थी, तब भी वो हमें उसकी सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर जब हमारा काम 3:30 ख़त्म हुआ तब हमें मिल गई थी। ये एग्जेक्टिव प्लस की बस थी और इसमें ये सारी आपको अंदर इस तरह की चीज़ें नज़र आई होंगी। और इसका LCD जो है ना, वो पहले जिसमें हमने विज़िट किया था और मैं आपको रिव्यू दिया है, उस पर LCD से बड़ा था साइज़ में, और हमें 4 to 5 सीट मिल गई थी। शुक्र है हमने सीट मिल गई थी। और इसमें ये देखेंगे काफ़ी बड़ा था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। और जो इसका हैंडल है ये देखें, भाई ने पाँव ऊपर किए हुए थे क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, तो आप इसमें सो सकते हैं, तो ये आगे पीछे हो जाते थे, आपके पाँव से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये साइड पे कर्टन थे और धूप बहुत ही, तो इसलिए मैंने वो बनाई है। यहाँ पे भी बस स्टॉप टर्मिनल पर थे तो मैंने वीडियो बना ली 4 to 5, तो अंदर इस वजह से लाइट नहीं है। टाइम 3:36, ये साथ में लाइट थी। और यहाँ पे आपको अगर कोई हैंड बैग है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, वरना बड़े बैग हैं तो वो आपको नीचे दिए जाते हैं। ये छत पे 2 AC, 2 लाइट्स और इनके बटन थे बंद करने के लिए। ये टिकट थी हमारी 2500 की जो है ना, वो एक टिकट पड़ी थी, सॉरी 3000 की हमें एक टिकट पड़ी थी। और ये मतलब कि सही था, इसमें जो है सोने का है ना, तो हम सो भी सकते हैं, इतना लंबा सफ़र हो तो ये बस ठीक रहती है। और ये हमें इन्होंने जैसे बस स्टार्ट हुई है कुछ देर बाद ना, दोनों टर्मिनल के बाद, तो इन्होंने हमें ये कोल्ड ड्रिंक पैक और ये डब्बा दिया था। और इस डब्बे में क्या था ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं दूसरी बस में ये चीज़ें नहीं मिली थी जिसमें 2500 की टिकट थी। पहले 6 साल पहले मैंने उसने मूव किया था ना, तो वो 1000 की टिकट थी तब, और वो खाने के लिए बॉक्स भी देते थे उसमें। और फिर उसके बाद ये वाली बुकिंग जो होती थी ये 1500 से 1700 तक चली गई थी, और इसमें ये दोनों बर्गर थे और मीठा वो था केक, और कोल्ड ड्रिंक भी दी थी साथ में 4 to 5। ये मैं अब इसका आपको व्यू दिखा रिव्यू देती हूँ। ये होम पे जाकर वेलकम, वही सेम वही ऑप्शन था, कहीं भी आपको क्लियर नज़र नहीं आया आएगा तो उसके लिए माजरत। ये यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं, जो उन्होंने हेडफोन दिए थे। मेन्यू वॉल्यूम लाइट का भी है नीचे, इसके नीचे लाइट होती है LCD में, जबकि वहाँ पर नहीं थी ये चीज़ें। इंटरटेनमेंट, ये TV शो, सॉन्ग, इस्लामी गेम्स, मूवीज, इसमें हर चीज़ अवेलेबल थी। ये बैग का और ये होम का, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल थी। ESA सर्विस, ESA इंटरटेनमेंट, ESA सर्विस, और ESA मैं भूल गई हूँ, फिर मैं आपको पीछे बैठ करके दिखाती हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम थी, मैं पीछे चली गई, वह बैग किया नहीं हो रहा था। ESA अबाउट अस, यहाँ पे मैं भी शायद फीडबैक का था या इनकी तरह से मोबाइल पर का था। लोकेशन था, वेटर को कॉल करना था, न्यूज़पेपर था, और ये था। पेपर स्पेशल नहीं हुआ तो ये खुद ही बैक आ गया। ई बुक थी इसमें 4 ABCD के नेम से बुक थी। ये बैक मैंने कर दी। अब हम जाते हैं मूवीज़ वाले ऑप्शन में, एंटरटेनमेंट में। मूवीज़ में तो हॉलीवुड, बॉलीवुड ये सारी इसमें अवेलेबल थी। इसमें काफ़ी सारी थी तो मैंने आगे अगर नोट नहीं करके दिखाया आपको, सिर्फ जस्ट वो दिया कि इसमें ये इस तरह की थी, इंटरफेस ऐसा था। ये कॉमेडी में इसमें बच्चों के लिहाज से मिस्टर बीन वगैरह के कार्टून थे, और दूसरे और ये चिल्ड्रन
प्रमोशन था मूवीज़ के लिए, वो डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है। अब टीवी शोज़ में ये कवाली, इसमें कुछ भी नहीं था। सॉन्ग में कवाली थी, पाकिस्तानी थे, इंग्लिश सॉन्ग थे, कवाली अवेलेबल थी, पाकिस्तानी और इंग्लिश सॉन्ग इसमें नहीं थे, नथिंग। तो आप आगे सब्जी में ये ऑप्शन आ रहा था। सॉफ्ट सीट थी, कंफर्टेबल थी। और ये मैं आपको आगे पीछे भी करके दिखाऊंगी, सामने बटन लगे होते हैं और इसमें हैंडल भी थे, जबकि उस बस में हैंडल नहीं थे। देखिए सामने ये नीचे वाला ऑप्शन है ना, इसको यहाँ के बटन थे, इसे जो चीज सीट थी ना आगे पीछे होती थी, जो पाँव की तरफ है ना ये देखेंगे आप ऊपर की तरफ आ रहा है, और बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे, आपको जितना इसका करना है। इसी तरह इस दूसरा बटन ये बैक हो रहा है, और ये साथ वाला बटन जो है वो पीछे करने का था सीट को, ये सीट पीछे हो रही है। और ये देखिए आपको शायद ना भी फ़र्क महसूस हो रहा हो, तो ये सीट आगे पीछे होती है। इससे 4 to 5 सीट थे, तो ड्राइवर सीट से नेक्स्ट